दोस्तों, दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस महामारी से निपटने के लिए कुत्तों की मदद लेने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते ही होंगे कि कुत्तों में सूंघने की क्षमता मनुष्यों से ज्यादा होती है। ऐसे में वैज्ञानिकों का दावा है कि कुत्तों की मदद से अब कोरोना संक्रमित लोगों को भीड़ में भी सूंघ कर बड़ी आसानी से खोज लिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, जानकार से जानते हैं। जी देखिए आकाश, कोरोना वायरस के मामले लगातार भारत में बढ़ते जा रहे हैं। जो आंकड़े डेली बेसिस पर भी सामने आ रहे हैं वो भी काफ़ी हैरान करने वाले हैं। लेकिन अब ये आंकड़े अचानक से बढ़ना शुरू क्यों हो गए हैं, इसके पीछे की एक बड़ी वजह उसको भी समझिए। बड़ी वजह ये है कि पहले जो टेस्टिंग हो रही थी, वो नंबर ऑफ पेशेंट्स की टेस्टिंग थी, वो उतना ज़्यादा लेवल पर नहीं हो रही थी। अब जिस तरीके से टेस्टिंग का लेवल बढ़ाया जा रहा है, तो तमाम नए आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। भले ही वो हैरान करने वाले हों, लेकिन सच्चाई यही है। और यकीन जानिए, अगर टेस्टिंग के लेवल को और इंक्रीज़ किया जाएगा, यानी कि अगर आज की तारीख में 1 लाख पेशेंट्स का एक दिन में टेस्टिंग चल रही है, अगर इसको बढ़ाकर 5 लाख या 6 लाख करते हैं, तो फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स की संख्या जो है बढ़ती जाएगी। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की जो बात हो रही है, जिनमें लक्षण नहीं है, वो हमारे समाज में छुपे हुए हैं, जिनमें से कई सारे पेशेंट जो हैं वो कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट करने की काबिलियत रखते हैं, हालांकि कई हैं जो ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो ये तो बात हुई कि कोरोना वायरस के आंकड़े किस तरह से सामने आ रहे हैं। अब इन आंकड़ों को डिटेक्ट करने के लिए भी लगातार पैरेलल लेवल पे, यानी समानांतर इसके काम चल रहा है। वैक्सीन बनाई जा रही है, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नए नए तरीके से ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ये जो टेस्टिंग का लेवल जो है इसे बढ़ाया जाए। और इसी को लेकर एक जो दिलचस्प खबर है वो आकाश एक ब्रिटेन से सामने आई है, जहां पर कुत्तों का इस्तेमाल जो है कोरोना वायरस के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाएगा। अब कुत्तों के इस्तेमाल को कितनी गंभीरता से लेना है, ये जानने के लिए आप ये समझिए कि कुत्तों की भूमिका आज की तारीख में सिक्योरिटी के लिहाज से इंसानी जीवन में बेहद अहम है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, उनकी सेफ्टी तक में कुत्तों का इस्तेमाल होता है। कुत्तों को कोरोना संक्रमितों की पहचान करवाने के लिए एक रिसर्च की जा रही है, पर कैसे ये कुत्ते कोरोना वायरस से संक्रमित इंसानों को पकड़ेंगे, पहचानेंगे, चलिए जानते हैं। जी ब्रिटेन में रिसर्च की जा रही है। अब रिसर्च ये की कैसे जा रही है आकाश, लेकिन कुत्ते कोरोना वायरस के पॉजिटिव और नेगेटिव इंसान को कैसे पकड़ेंगे। रिसर्चर्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि वो लोग जिन्हें कोरोना वायरस है और वो लोग जिनको कोरोना वायरस नहीं है, इन दोनों का जो पसीना निकलता है, उस पसीने की स्मेल में एक बड़ा अंतर होता है। भले ही इंसान उस स्मेल को सूंघ कर ना बता पाए, लेकिन इनका ये मानना है कि कुत्ते उस स्मेल की डिफरेंस को पहचान सकते हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि इन कुत्तों को कोरोना वायरस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अंतर करना सिखाया जा रहा है पसीने की स्मेल के जरिए। और इसके लिए बाकायदा ब्रिटिश सरकार ने £5 लाख का, यानी कि तकरीबन $6 लाख से ऊपर का बजट जो है इस रिसर्च के लिए रखा गया है। अगर ये कुत्ते अपनी ट्रेनिंग में कामयाब हो जाते हैं, तो उम्मीद ये जताई जा रही है तकरीबन करीब 250 लोगों को ये कुत्ते, 1 घंटे में 250 लोगों को ये कुत्ते सिर्फ सूंघ कर बता देंगे कि इन्हें कोरोना वायरस है या नहीं है। इसके अलावा आकाश एक बड़ी चुनौती ये है कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं जिनमें लक्षण नहीं है, जिन्हें हम अंग्रेजी में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कहते हैं, उन्हें भी ये कुत्ते सूंघ कर बता सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर जानकारों का इसके पीछे तर्क क्या है। एक प्रोफेसर है वहीं ब्रिटेन में, इनका नाम है डोमिनिक ग्रैंजियन। उनका कहना है कि कुत्तों की नाक में सूंघ कर मॉलिक्यूल्स को ढूंढने की गजब की क्षमता होती है, और अगर इंसानों से इसकी तुलना करें तो अगर हम 500 मीटर तक देख सकते हैं, तो कुत्तों में ये क्षमता 300 किलोमीटर तक की होती है। यानी इंसान 500 मीटर तो कुत्ते 300 किलोमीटर तक सूंघ कर किसी भी चीज का एहसास कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फासला है इंसान और कुत्तों में, जो उनकी सूंघने की क्षमता को दर्शाता है। हालांकि कुत्ते कोरोना वायरस के मरीजों को पब्लिक प्लेसेस पर ढूंढ कर पकड़ सकेंगे, अगर ये रिसर्च हो रही है, तो इसके पीछे एक सॉलिड तर्क दोस्तों ये भी है कि कोरोना वायरस ही नहीं, कैंसर के भी कुछ खास तरीके के जो मरीज होते हैं, कुत्ते उन मरीजों को भी सूंघ कर आपको बता देते हैं कि आखिर किस पेशेंट में कैंसर है और किस पेशेंट को कैंसर नहीं है। तो इस तरीके से कुत्तों की जो क्षमता है उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। फिलहाल आकाश इसके लिए 6 कुत्तों पर काम चल रहा है। इसके लिए जो ब्रीड है वो लैब्राडोर्स एक ब्रीड होती है कुत्तों की, वो और कॉकर स्पैनियल्स एक ब्रीड होती है। इन कुत्तों का इस्तेमाल जो है अभी इसमें किया जा रहा है। जहां तक सवाल है कुत्ते सेफ्टी सिक्योरिटी में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं, इसके लिए आप अंदाजा लगाइए। अबू अल बकर बगदादी को जब मारा गया था तो कुत्ते की एक अहम भूमिका रही थी। बाद में ट्रंप ने खुद इस कुत्ते को सम्मानित तक किया था, हीरो बताया था उस दौर में इस कुत्ते को। और अगर ये रिसर्च कामयाब होती है तो कुत्ते 250 लोगों को 1 घंटे में सूंघ कर बता सकते हैं, और हो सकता है कि आगे भविष्य में इन कुत्तों का इस्तेमाल जो है इस तरीके से कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ढूंढने के लिए किया जाए। इन्हें एयरपोर्ट, मॉल्स और मेट्रो स्टेशन और बाकी पब्लिक प्लेसेस पर लगाया जाए, ताकि कोरोना वायरस से जो पॉजिटिव मरीज हैं
उनकी पहचान जो है पब्लिक प्लेसेस पर की जाए, क्योंकि टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है और उसके बाद फर्दर स्टेप्स जो है इस पर आगे लिए जाए, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। फिलहाल दोस्तों आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।